देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं तुम सबकी माँ हूँ। संतान को पीड़ा में देख माँ कभी शांत रह सकती है? माँ, हमने आपके मणिभद्र को खो दिया है। माँ, आपके मणिभद्र को खो दिया है। देखिए माँ, ये देखिए उसका वस्त्र। माँ, यक्षलोक में हमें ये पंख मिला है। ये तुमने क्या किया श्री? आज की रात खुले केश में वैकुंठ त्याग दिया। ये तुमने केवल विवाह विधि भंग नहीं की, मेरी निषेधाज्ञा भंग करके एक महासर्वनाश को आमंत्रित किया है तुमने। अब मैं क्या करूंगा? पर रेत इतनी ऊंचाई पर क्यों है? क्या है इसके नीचे? मैं जानती हूं माँ अवश्य विजयी होंगी। हर कार्य में हर समय माँ की ही जीत होती है, क्योंकि माँ हम सबके कल्याण करता है। तुम लोग माँ पर भरोसा रखो। देखना, मेरे मणिभद्र को माँ अवश्य मेरे पास लाएंगी, अवश्य लेकर आएंगी। आओ, हम माँ की आरती करते हैं। हे जगत पालक, प्रणाम विरिंची देव। आओ महेश। असहाय होकर आपके शरण में आना पड़ा। जो महासर्वनाश हुआ है उसे अब केवल आप ही रोक सकते हैं। हे नारायण, हमें सब कुछ ज्ञात है। श्री लक्ष्मी अभी तक आपकी संपूर्ण शक्ति उपलब्ध नहीं कर पाई है, इसीलिए वो भावुक होकर और करुणा में बहकर महासर्वनाश के रास्ते चल पड़ी है। उन्हें अभी रोकना आवश्यक है नारायण। महादेव, अब यह संभव नहीं है। काल चक्र के घूमने पर जो लिखा हुआ है वही होगा। देवी को मैंने आगाह किया था, रात्रि काल में खुले केश में वो कभी भी वैकुंठ त्याग ना करें, पर उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की है। शांत हो जाइए हे जगतपाला। श्री नहीं जानती उसके केश में कितनी शक्ति छुपी है। उसके केश में स्वयं यमराज का बल है। उनके केश से ही इस जगत की रक्षा होती है। देवी के एवं मेरे मिलन से वो शक्ति दुगनी हो गई है। देवी के केश से ही यमराज वश में रहते हैं, शांत रहते हैं। वरना
हे नारायण, किंतु उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। यदि जानती फिर इस भांति वैकुंठ त्याग नहीं करती श्री लक्ष्मी। फिर तो उसके लिए उचित था कि वो मेरे आदेश का पालन करती। देवी ने स्वयं मुझे वचन दिया था। हे देवाधिदेव, मैं निरुपाय हूं। इस अवसर पर फिर अलक्ष्मी ही विजयी रही। शीघ्र ही काल चक्र बदलेगा और महासर्वनाश को रोकना असंभव होगा। त्रिलोक में कौन सा सर्वनाश होने जा रहा है, हम उसे देखना चाहते हैं। देवराज, ये तो कृष्ण विष वृक्ष है। ये माया वृक्ष देवताओं की शक्तियां हरण कर सकता है। श्री लक्ष्मी कैसे इस विष वृक्ष के निकट पहुंची, वो भी आज रात को? ये तो अलक्ष्मी का निवास है। गुरु बृहस्पति, आप दिव्य दृष्टि की सहायता से बताइए, अलक्ष्मी के साथ इस विष वृक्ष का क्या संबंध है? स्वर्ग जल से लक्ष्मी ने एक विष वृक्ष की स्थापना की है। देवगण, एक महासंकट काल आ रहा है। हम लोग कल प्रातः ही वैकुंठ लोक को प्रस्थान करेंगे, किंतु श्री लक्ष्मी ने यह क्या किया? लक्ष्मी कृष्ण विष वृक्ष की शक्ति जागृत करती हूँ। माया वृक्ष अपना कार्य आरंभ करे पूर्ण रूप से।
ये तुमने क्या किया श्री? क्यों नहीं माना मेरा आदेश? लोग मेरे वश में होगा। जीवित करने में असमर्थ क्यों हो रही हूँ? नहीं कर पाओगी श्री लक्ष्मी, मणिभद्र का प्राण तुम नहीं लौटा पाओगी। तुमने तो प्राणदान की शक्ति खो दी है। खुले केश में रात के समय इस वृक्ष के नीचे आई हो और इस वृक्ष के पत्तों ने तुम्हारे केश स्पर्श किए हैं। तुम मेरे माया जाल में फंस चुकी हो भगिनी। तुम्हारी समस्त शक्तियां चली गई हैं। आज की रात वैकुंठ त्याग करके तुमने विधि भंग की है भगिनी। उस पर भी तुम जगतपालक के धर्म की रक्षा करने में व्यर्थ हुई हो। जो प्राण की रक्षा जगतपालक नारायण का धर्म है, तुमने उस धर्म पालन की शक्ति भी खो दी है। अब तुम जगत पालक श्री हरि को क्या उत्तर दोगी भगिनी? मैं तुम्हें एक आदेश देता हूँ, स्मरण रखना। कभी भी रात्रि काल में खुले हुए केश में वैकुंठ से बाहर मत जाना। वचन दो कि मेरे इस आदेश का हमेशा पालन करोगे। सब कुछ हार चुकी हो भगिनी, सब हार चुकी हो। नारायण के समक्ष विश्वास खोया एवं भक्तों के समक्ष महिमा खो दी तुमने श्री, और मेरे समक्ष संपूर्ण रूप से पराजित हुई हो तुम। तुम्हारे सामने ही एक दिन नारायण ने मुझे तुम्हारे संसार से बहिष्कृत किया था। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, लक्ष्मी नारायण का विच्छेद मैं करके रहूंगी, और मेरे इस विष वृक्ष ने मुझे मेरी इच्छित विजय दी है भगिनी। मैं विजय हूँ भगिनी, संपूर्ण रूप से विजयी हूँ। अब मैं मणिभद्र का मृत देह यक्ष लोक में भेजूंगी।
कैसे बुझ गए, क्यों बुझ गए ये समझ नहीं दिए। सुदर्शन चक्र, वैकुंठ द्वार खोल दीजिए, मुझे प्रभु से भेंट करनी है। प्रणाम माता। माता चक्र के रहते हुए वैकुंठ में प्रवेश करना असंभव है। इसका क्या अर्थ है गरुड़? माता सुदर्शन चक्र वैकुंठ के द्वार की रक्षा करता है। देव देवियों के अलावा किसी को भी वैकुंठ में प्रवेश के लिए अनुमति चाहिए होती है। ये सब तुम क्या कह रहे हो गरुड़? ये बात तुम मुझसे कर रहे हो? मैं तो आपका दास हूँ माता, किंतु वैकुंठ के नियम बहुत ही कठिन हैं। मैं विवश हूँ। माता आप प्रभु श्री विष्णु को स्मरण कीजिए, संकट में वो अवश्य सहायता करेंगे। प्रभु, क्या एक बार भी आपके दर्शन नहीं मिलेंगे? इतनी बड़ी दोषी हूं मैं तो आपके बिना कुछ नहीं जानती प्रभु। मेरा अच्छा बुरा आशा विश्वास सब कुछ आप ही हैं। विधि भंग करने के कारण आप मुझे दर्शन भी नहीं देंगे स्वामी। देवी, अनजाने में तुमने जो विपदा सृष्टि की है उससे जगत पालक होकर सत्य ही मेरे लिए तुम्हारी सहायता करना असंभव हो गया। जगत का संतुलन आज तुम्हारे कारण नष्ट होने जा रहा है। जाओ देवी, लौट जाओ। मैं स्वयं भी तुमसे दूर रहकर अत्यंत पीड़ित हूं देवी, किंतु जितनी भी पीड़ा हो, जगत पालक कभी भी अपने ही रचे हुए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो त्रिलोक का संतुलन नष्ट करता है उसे कभी नारायण लाभ नहीं होता। माता, लौट चलिए अपने निवास, प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। वे जितने कोमल हैं उतने ही कठोर। श्री नारायण भोले महेश्वर नहीं है माता, प्रभु अपने कोमल हाथों से दुख दूर करते हैं और कठोर होकर जगत पालन भी करते हैं। उनके एक हाथ में गदा और दूसरे में कमल है। आपके इस द्वार पर कई बार सर पटकने से भी प्रभु इस समय आपको दर्शन नहीं देंगे माता। मैं जानती हूं देवर्षि, मैं अपराधी हूं। मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु के दर्शन करने का,
किंतु उनकी सहायता मुझे प्राप्त करनी ही होगी देवर्षि। मैं जानती हूँ देवर्षि, मैं अपराधी हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु के दर्शन करने का, किंतु उनकी सहायता मुझे प्राप्त करनी ही होगी देवर्षि। अपने लिए नहीं, मैं अपने अपराध का दंड नतमस्तक स्वीकार करूंगी। किंतु वो यक्षिणी अपने संतान को क्यों खोए देवर्षि? आप ही बताइए, किस भांति मणिभद्रा के प्राण लौटेंगे? आप ही बताइए। मैं स्वयं मणिभद्र की प्राण भिक्षा मांगूंगी प्रभु के पास, यदि एक बार प्रभु के दर्शन मिलते तो। माता, उसके लिए आपको मोहनदीप जाना होगा। वहां पीपल वृक्ष के नीचे प्रभु की आराधना करनी होगी। पहले भी इसी रूप से आपने श्री नारायण को प्राप्त किया था माता। वहीं जाऊंगी देवर्षि, मणिभद्र के लिए, यक्षिणी सुकुमारिका के लिए। वहीं पड़ी रहूंगी पीपल वृक्ष के नीचे। वो लोग मुझे माँ कहकर पुकारते हैं। मेरे भक्तों के लिए मैं कठिन तपस्या करूंगी। देखती हूँ मेरी आराधना से श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं या नहीं। माँ की कृपा कहाँ हुई सुकुमारिका पर? माँ तो अब तक नहीं आई। अब हमारे संतान के जीवन दान की कोई आशा नहीं है। माँ आएंगी, अवश्य आएंगी। मैं जानती हूँ मेरे मणिभद्र को माँ मुझे अवश्य लौट आएंगी। जब तक माँ नहीं आती, माँ के स्थान पर मैं अपनी संतान को लेकर बैठी रहूंगी। देखती हूँ माँ क्या करती है। माँ नारायण, स्वर्ग लोक एक महासंकट में है। एक तरफ देवी सरस्वती ने स्वयं नदी रूप धारण किया है, दूसरी तरफ देवी अलक्ष्मी की उत्पत्ति कृष्ण विश्ववृक्ष ने श्री लक्ष्मी की शक्ति हरण की है। अर्थात जगत अब श्रीहीन एवं विद्याहीन है। बताइए प्रभु, इसका क्या प्रतिकार है? देवगण, इस जगत में श्री की सृष्टि एक जन ही कर सकती है, देवी श्री लक्ष्मी। किंतु उन्हें पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करनी होगी। सत्य ही, देवी सरस्वती की कमी से ये जगत विद्याहीन होने जा रहा है। उन्हें भी लौटना होगा किसी भी मूल्य पर। प्रभु, श्री लक्ष्मी किस उपाय से अपनी शक्ति प्राप्त करेंगी? और देवी सरस्वती भी किस उपाय से लौट आएंगी? हम उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैं प्रभु।
हे देवगुरु, इन दोनों देवियों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ ही युक्त है। देवी श्री लक्ष्मी की अपनी शक्तियां प्राप्त करने पर निर्भर करता है देवी सरस्वती का लौट कर आ जाना। पहुंचना ही होगा। ये प्रभु की परीक्षा है, चाहे जितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, मुझे ये परीक्षा पार करनी ही होगी, नहीं तो मणिभद्र जीवित नहीं हो पाएगा। चलो हम प्रभु नारायण का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। किंतु क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे मन में अभी एक प्रश्न उठा है। इस विषय में मैं निश्चित नहीं हूं देवगण। वो यदि पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करने के योग्य बन सकें, तो उन्हें अवश्य अपनी शक्ति वापस मिलेगी, अन्यथा पुनः प्रलय आने की आशंका है। देवी के केश में विषपत्र गिरने से कितना बड़ा संकट आने वाला है कोई भी समझ नहीं पा रहा है। देवगण, अब मुझे विदा करें। आशा करता हूँ आपको समस्त उत्तर मिल चुके होंगे। जगत पालक ये क्या कह गए? उनकी बातों से लगता है वे देवी श्रीलक्ष्मी की शक्ति लौटाना चाहते ही नहीं। हे देवगण, इस स्थिति में हम बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। इस संकट से मुक्त होने का क्या कोई भी उपाय नहीं? हमारे सामने एक विशाल पर्वत उत्पन्न हुआ है और उसी पर्वत के टुकड़े हमारी ओर अग्रसर हैं। देखो लुक माँ, सावधान, लौट चलिए माँ। नहीं उलक, हम नारायण मंत्र का जाप कर रहे हैं।
वे रक्षा करता है। किसी भी अवस्था में ये तुषार गोले हमें नहीं छू पाएंगे। हो रहा है, नारायण तो श्री लक्ष्मी से रुष्ट है और श्री लक्ष्मी की तो अभी कोई शक्ति ही नहीं है ये सब बाधा रोध करने की। फिर ये कौन कर रहा है? मैं जानती हूँ प्रभु, ये सब आप ही कर रहे हैं, आप ही रक्षा कर रहे हैं हमारी। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं देवी, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। यही है वो वृक्ष उल्लुक। इस स्थान पर बैठकर मैं प्रभु की आराधना करूंगी। सामान्य सामग्री से मैंने आपकी पूजा की है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक मेरा ध्यान भंग नहीं होगा। जगत पालक, विशेष कारणवश पुनः उपस्थित होना पड़ा। बताइए क्या कारण है? हे नारायण, क्या आप श्री लक्ष्मी की पुकार सुन पा रहे हैं? कितनी व्याकुल होकर वो आपका नाम जप रही हैं। श्री लक्ष्मी का ये ध्यान सरलता से भंग नहीं होगा जगत पालक। हे गोविंद, जगत पालक अपनी पत्नी को धर्म भंग के लिए अवश्य अपने से दूर रख सकते हैं, किंतु एक भगवान कैसे अपने भक्त की पुकार ना सुनकर शांत रह सकते हैं? के बुलाने पर भगवान को जाना ही पड़ता है। हे जगत पालक, किसी भी उपाय से तुम्हारा ध्यान मैं भंग करके रहूंगी श्री लक्ष्मी।
एक बार जब लक्ष्मी और नारायण के बीच मैंने मतभेद सृष्टि कर दी है, तब ये मौका मैं नहीं खो सकती। एकाग्रचित से विष्णु मंत्र जाप करते जा रही हैं श्री लक्ष्मी। उसकी साधना का फल अग्नि के रूप में चारों दिशाओं में फैल चुका है। श्री विष्णु अब अवश्य प्रसन्न होंगे। हम जानते हैं श्री लक्ष्मी अपनी साधना में अवश्य सफल होंगी, कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। प्रणाम देवादिदेव। हे देवादिदेव, जगत एक महासंकट के सम्मुख है, किंतु नारायण अभी भी रुष्ट हैं। श्री लक्ष्मी की साधना बल से एक महातेजस्वी रेखा सृष्टि हुई है एवं उस रेखा ने अग्नि रूप धारण किया है। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप श्री नारायण के पास जाइए, जाकर उनसे अनुरोध कीजिए देवी श्री लक्ष्मी की पुकार वे सुन लें। देवराज, व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं आप लोग। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी को पवित्र होने का अवसर दे रहे हैं। विष वृक्ष पत्र के स्पर्श से ही श्री लक्ष्मी के केश अपवित्र हुए हैं। इस अवस्था में प्राण दान की शक्ति किस उपाय से लौटा पाएंगे श्री हरि? आप लोग इंद्रलोक लौट जाइए, उचित समय आने पर श्री हरि स्वयं ही भक्त की पुकार सुन लेंगे। श्री लक्ष्मी, यमुना तीर बिहार थित कौस्तुभ मणिहार नारायण। मेरा इस प्रकार आवाहन क्यों किया है तुमने? सुर कल्याण क्या चाहती हो? नारायण यमुना तीर बिहार थित कौस्तुभ मणिहार नारायण। भक्तों की पुकार पर भगवान को आना ही पड़ता है। बोलो क्या वरदान चाहिए? तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगी। प्रभु, मेरी प्राण दान की शक्ति लौटा दीजिए। प्रभु, मैं और कुछ नहीं चाहती, मणिभद्र के प्राण लौटाना चाहती हूँ मैं, उसे अपनी माँ की गोद में लौटाना चाहती हूँ। इतनी साधना के पश्चात तुम केवल मणिभद्र को
उसकी माँ के पास लौटाना चाहती हो? क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तथास्तु देवी। अब मुझे यक्षलोक में जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। पता नहीं अपनी संतान को खोकर सुकुमारिका न जाने कितनी पीड़ा में होगी। मुझे शीघ्र वहां जाना होगा। रुक जाओ देवी, रुक जाओ। तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं अचंभित हूं। देवी, अद्भुत है तुम्हारी करुणा, जिसकी महिमा अत्यंत विशाल है। ये क्या कह रहे? तुम श्री और समृद्धि की देवी हो। तुम्हारे बिना इस जगत में श्री सृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन जब प्राणदान की शक्ति खोई, एक बार भी नहीं सोचा कि देवी के रूप में भी तुम्हारी शक्ति नष्ट हुई। मेरे आदेश का पालन ना करके तुम खुले केश में चली गईं, उस विष वृक्ष के नीचे, और सरलता से फंस गईं अलक्ष्मी के बिछाए चक्रव्यूह में। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, देवी के रूप में कुछ करने से पूर्व तुम्हें उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। खुले केश में विषपत्र लगने से तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई, तब भी तुम्हें कोई चिंता नहीं? किंतु प्रभु, मणिभद्र का जीवन अकारण गया है अलक्ष्मी की माया से। उसका तो कोई दोष नहीं था प्रभु। अलक्ष्मी मुझे विपदा में डालने हेतु एक अबोध शिशु की हत्या कर बैठी है। क्या मैं वहां नहीं जाऊं उसकी रक्षा करने? जैसे भी हो, नारायण एवं श्री लक्ष्मी का पुनः मिलन मुझे रोकना ही होगा। नारायण के वरदान से श्री लक्ष्मी को पुनः प्राणदान की शक्ति मिली है। वो तो अभी मणिभद्र को जीवित कर देगी, और प्राणदान करके वो तो जगत पालक के धर्म की ही रक्षा करेगी, और उसके पश्चात विधि अनुसार नारायण अपनी पत्नी को सम्मान सहित वैकुंठ में लेकर जाएंगे और श्री लक्ष्मी के साथ आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दे सकती, कदापि नहीं। श्री लक्ष्मी को रोकने का कुछ उपाय ढूंढना ही होगा, कुछ करना ही होगा। किंतु किंतु क्या करूं? देवी 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 देवी, मैं यक्षलोक होकर आई। वहां अभी तक सुकुमारिका अपनी संतान को घेर कर बैठी हैं। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो लोग उसका दाह संस्कार करें। उचित कहा है जरती, देह यदि नहीं रही फिर श्री लक्ष्मी प्राणदान करेंगी कैसे? और एक बार यदि श्री लक्ष्मी के कारण प्राण नष्ट हो गए तो जगत पालक नारायण उसे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। पाताल लोक में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जरती। अवश्य देवी, अवश्य मणिभद्र के प्राण मूल्यवान हैं, किंतु तुम्हारी केवल इस सामान्य कार्य हेतु ही उत्पत्ति नहीं हुई है।
तुम्हारे कर्मों का प्रकाश विशाल है। उस तेज की अनुभूति करो। तुम जगत पालक के कार्यों की सहायिका हो। अनुभूति करो उस धर्म की। संपूर्ण विश्व तुम्हारा संसार है। अनुभूति करो उसकी व्यापकता। मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम आज हर एक जगह पर सार्थक रहती। तुम्हारा केवल करुणा में बह करके परिणाम के बारे में ना सोचते हुए इतना व्याकुल होना जगत के लिए हानिकारक है देवी। इस सत्य का तुम्हें आभास नहीं हुआ? तुम अपना कर्तव्य ही भूल गई? किंतु तुम भगवान हो, ये बात भूल जाने से विपत्ति सृष्टि होगी ही। मेरी कही गई बात सोच कर देखना देवी। आशा करता हूं कि मेरी बातों का अर्थ तुम शीघ्र ही समझ जाओगी। इतने रुष्ट हुए हैं आप प्रभु, मैं समझ गई। मेरी साधना से केवल भगवान के रूप में ही दर्शन दिया आपने मुझे, मुझे क्षमा नहीं किया अभी तक। ये कैसा संकेत दिया आपने प्रभु? फिर क्या आप नहीं चाहते मैं तत्काल मणिभद्र को जीवित करूं? किंतु मुझे तो यक्षलोक में जाना ही होगा प्रभु। मणिभद्र को सुकुमारिका की गोद में लौटाना ही होगा। अभी मेरा यही कर्तव्य है। इससे अधिक और कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं मैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। सुकुमारिका, मणिभद्र अब जीवित नहीं होगा। अब उसे जाने दो। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मेरी संतान जीवित होगी। सुकुमारिका, कब तक इस मृत देह को घेर कर बैठी रहोगी? अब दाह संस्कार करना ही होगा। जा, मृत देह को लेकर आओ। कुमारिका, तुम्हारी ये भक्ति और विश्वास ने ही
तुम्हें नष्ट किया है। मणिभद्र के प्राण हरण हुए हैं तीव्र विष के प्रभाव से, और वो विष मेरी ही सृष्टि है। इसी क्षण अग्निकर्म करो। वरना इस यक्ष लोक में उतर आएगा प्रचंड प्रलय। नहीं, माँ आएंगी, माँ अवश्य आएंगी। मेरे मणिभद्र का दाह संस्कार मैं कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। मूर्ख, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। श्री लक्ष्मी ने अपनी शक्ति खो दी है। मेरी माया के प्रभाव से, मेरे कौशल से वो अभी एक साधारण नारी है। और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे कारण यक्षलोक में भीषण अंधकार उतर आए? यक्षपति कुबेर, यदि आप इस यक्षलोक का मंगल चाहते हैं तो इसी समय मणिभद्र के मृत देह का उचित अग्निकर्म करो। बंद करो श्री लक्ष्मी की आराधना। श्री लक्ष्मी की शक्ति नहीं है तुम्हारी रक्षा करने की। जगत में अभी मेरा राज है, मेरा। विलंब मत कीजिए यक्षपति, लेकर जाइए ये देह अभी। यक्ष, मणिभद्र को लेकर आओ। नहीं, मेरी संतान को छोड़ दो, मत लेकर जाओ उसे। मैं अपनी संतान को लेकर नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। माँ आएंगी, माँ, माँ, माँ आप रक्षा कीजिए। माँ, माँ आप कहाँ है? माँ कहाँ है? छोड़ो। मैंने मत का दास संस्कार मत करो, मत करो। मेरे मनी
वज्रभद्र को बलपूर्वक लेकर जा रहे हैं माँ, बलपूर्वक लेकर जा रहे हैं। मेरे मणिभद्र को मेरी गोद में लौटा दीजिए माँ। मेरी गोद में लौटा दीजिए, वो तो आप ही की सत्ता है माँ, आप ही का दिया हुआ है। सुकुमारिका, तुम्हारे जैसी समर्पित भक्त की गोद मैं कभी खाली नहीं होने दे सकती। मणिभद्र को तुम्हारी गोद में लौटा दूंगी। असत्य बोल रही हो श्री लक्ष्मी, तुम तो अभी शक्तिहीन हो, मेरे समक्ष संपूर्ण रूप से पराजित हो। भक्तों को असत्य बोलकर तुम अपनी महिमा अटूट रखने का प्रयास कर रही हो, मत करो, अपितु रास्ता छोड़ो। समय रहते मणिभद्र के मृतदेह का अग्निकर्म करने दो उन्हें। अलक्ष्मी, तुमने जो नीच कार्य किया है वो क्षमा योग्य नहीं। तुम्हें अपना उचित दंड सही समय पर मिल जाएगा। मैं कोई महिमा नहीं चाहती, किंतु तुम्हारे रचे किसी दुर्भाग्य का शिकार मैं इन्हें नहीं होने दूंगी। सुकुमारिका, मणिभद्र को मेरे सामने लेकर आओ। हाँ माँ। We'll be right back.
इसका अर्थ क्या है यक्षिणीगण? क्या चाहते हो तुम लोग? भूलो मत मैं देवी अलक्ष्मी हूँ। मेरे क्रोध से तुम सबका सर्वनाश होगा। सावधान, नहीं कर पाएंगी देवी, नहीं कर पाएंगी। हमारा अब और सर्वनाश आप नहीं कर पाएंगी देवी। उससे पहले ही आपको इस यक्ष लोक से हम विदा करते हैं। मैं तुम्हें संसार बसाने नहीं दूंगी श्रीलक्ष्मी।